सीधा यूर टर्न भाई, आपने दुनिया के पांच बड़े पीक, जो पीक एक्चुअली सबसे बड़ी चोटी को पीक बोलते हैं, तो सात सात महाद्वीप के सभी आपने बड़े पीक कर लिए, ठीक है। अब वो एक काम खत्म हो गया, अब क्या, ये भी एक पागलपन पूरा हो गया, अब दूसरा पागलपन शुरू हो रहा है कि भाई अब क्या करना है। तो वो कहाँ से आया कि नहीं अब तो मैं समुद्र में कूदूंगी। दुनिया के सात महाद्वीप पर के जो भी बड़े पीक थे, पांचों बड़े पीक आपने पूरे कर लिए, फिर अचानक इन सबसे मोह भंग हो गया और सीधे जाके समुद्र के किनारे पहुंच गए और समुद्र में डुबकी लगा ली 147 फीट। मतलब अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी लड़की ने पांच बड़े, दुनिया के पांच बड़े पीक किए और उसके बाद वो पीक के समिट करने के बाद समुद्र में डीप ड्राइव में जा रही है और इस हाइट तक जा रही है, इस हाइट तक कोई लड़की नहीं गई। तो ये मतलब अचानक से ये कहाँ से जोश आया कि नहीं अब पहाड़ बहुत हुए, ऊपर बहुत चढ़ लिया, अब नीचे जाके देखना है क्या धरती का नाप रहे हो कितनी गहरी है कितनी ऊंची नहीं, है। नहीं ऐसा तो नहीं, जो मेरी स्टूडेंट है, अब मैं कोच के रूप में आ गई ना, पहाड़ चढ़ते चढ़ते मुझे लगा कि मेरा तो हो गया, मुझे और लाइनें खड़ी करनी है। तो मेरी जो स्टूडेंट है, जो भारत की पहली किन्नर है, जिन्होंने माउंट लबूचे सबमिट किया है, एवरेस्ट बेस कैंप किया, बेसिक माउंटेनियर कोर्स किया है, किट टू सौरभ टास्क, तो उस समय मेरे पास रह के ट्रेनिंग करती थी BHL ग्राउंड में। मेरा काम होता था उनका सुबह स्कूटी से छोड़ना, पैर की मालिश करना, ब्रेकफास्ट बनाना, स्कूल जाना, फिर शाम को फिर उनके पैरों की मालिश करना, शाम का खाना बनाना दोनों तीनों बहन भाई के लिए। और मैं मम्मियों वाले रोल में आ गई थी, मेरे सपने प्रोग्राम छोटे मोटे जाके मैं सोची थी इनको ले जाना। उसने एक दिन मेरे को ग्राउंड पे बोला, जब मैं उनका लपसीने पोछ रही थी और दौड़ के आ रही थी, मैडम जी बोलती हूँ मुझे प्यार से, मैं कहा मैडम जी एक बात बताइए, आपका भी तो मन था ना कि आपको इंडिया रिकॉर्ड इंडिया के लिए करना है, मैं तो कर लूँगी, वो तो मेरा रिकॉर्ड रहेगा, आपका क्या। तो आपके ऐसे स्टूडेंट होना जो आपको भी झकझोर कर दे, वो कहना कि आप जाओ हम लोग हमारी ट्रेनिंग कर लेंगे, पर आप धीरे धीरे ख़त्म मत हो, क्योंकि धीरे धीरे मन वैसे ही हो गया था, हाँ हाँ ओके ओके। और फिर उसने जो आग लगाई कि नहीं मेरा भी तो नीचे जाने का था, फिर शुरुआत कैसे करें। फिर भारत में एकमात्र जगह है जहाँ जिपमर अस्पताल है मरीन से रिलेटेड इंजरी होने का, तो जिपमर है, पौंडीचेरी में टेक्निकल डाइविंग होती है। सो मुझे क्योंकि नीचे जाना है 30 मीटर के नीचे, मुझे टेक्निकल स्कूबा डाइविंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए केवल अब पौंडीचेरी एकमात्र रास्ता है। वहीं से थे नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग इन समय किटू की, इसमें बहुत सारे लग गए थे, मेरे खर्चे थे, तो अब क्या करें। तो मात्र 4,000 रुपये थे, वही लेकर हम पौंडीचेरी पहुँच गए। अब मैंने इंस्टीट्यूट वालों को बताया कि कोर्स तो मुझे करने हैं, पैसे धीरे धीरे आएंगे, पर अभी नहीं है, आप भले ही मेरे से दिन भर काम करा लो। तो नई इंटर्नशिप की वो रख दी कि कोर्स के साथ इंटर्नशिप होती है, जहाँ 4 महीने आपको सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग करनी होती है, दिन भर डाइव सेंटर में काम करना होता है, 8 बजे वो आपको छोड़ते हैं, मतलब ऐसे आपका पूरा निचोड़ लेते हैं। तो वही रूल था। अब पूरा 1.5 साल बिताया मैंने पौंडीचेरी में, घर से दूर अपनी ट्रेनिंग के लिए, और थोड़ा मन वन भी यहाँ से थोड़ी कुछ चीज़ें हो गई थी ऐसी, जो थोड़ा था कि मैं स्टक हो गई हूँ एक जगह पर, आगे ग्रोथ नहीं हो रहा था। पर पौंडीचेरी जाने के बाद असली चैलेंज अब वहाँ पे शुरू हुआ। मेरा फॉरेनर इंस्ट्रक्टर था, वो अर्जेंटीना से था, वो बोलता था व्हाई यू आर कमिंग, यू डोंट नो इंग्लिश, यू डोंट नो स्विमिंग, व्हाई यू आर वेस्ट योर मनी, व्हाई यू आर वेस्ट योर टाइम, एंड व्हाई यू आर वेस्ट माय टाइम, व्हाई यू आर कमिंग, गो योर होम। वो इतनी बुरी तरीके से हलकारता था, मेरे को एकदम रोना आ जाता था, पर मुझे लगता है काम ही इसी से पड़ेगा, बाकी कोई है नहीं, तो क्या हमारे यहाँ एक कहावत है ना, वो उनको भी पप्पा बना लेना कह नहीं सकते पर वो रोल है कि गरज अपनी अपने गुरुजी। अब वो पर वो बाद में समझ में आया कि वो कितने महत्वपूर्ण थे, क्योंकि फिजिक्स है वो भी डाइविंग के, आप डाइविंग में सेकंड में मर सकते हो, आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो फ़ोन में से ट्रांसलेट कर करके पढ़ाई करी शुरुआत में, स्विमिंग सीखी, और इक्विपमेंट बड़े महंगे आते हैं डाइविंग के, पर लोग बहुत अच्छे थे, कई लोगों को अपनी मार्केटिंग करानी थी, उन्हें अलग 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 इक्विपमेंट थे, वो मुझे स्पॉन्सर किए थे कि आप हमारे फिन्स पहनो और आप हमारा नाम बोलिएगा। कुछ लोगों को पानी के अंदर अपनी चीज़ों को दिखवाना था, तो उन लोगों ने स्पॉन्सर किया, पर मेरी तो जान का रिस्क है ना, पानी में नीचे जाना आसान नहीं होता, आप नॉर्मल व्यक्ति 30 मीटर पर जाता है, मेरे को टेक्निकल डाइविंग करनी थी 30 मीटर के नीचे। अब चैलेंजेस शुरू होता है, डमी डाइव करी 350, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड प्रॉपर वर्क करना चाहिए 30 मीटर के बाद। जैसे आपने गाजी अटैक मूवी देखी होगी, तो उसमें पनडुब्बी के कलपुर्जे निकलते हैं,
वैसे 30 मीटर के बाद आपके बॉडी ऐसे कपकपाती है प्रेशर की वजह से। जैसे यहाँ अंडा फोड़ोगे तो येल्लो के ऊपर वाइट तैरता रहेगा, ये खाली बोतल है तो यहाँ नॉर्मल होगी, पानी में प्रेशर इतना होगी वो ऐसे कंप्रेस हो जाती है पूरी। तो ऐसे ही हमारे लंग्स के साथ होता है, हम कंप्रेस हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे। और आपका बॉडी में असर पड़ रहा आता है गैसें, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नार्कोटिक गैस होती है, इसकी वजह से आपका शराबी की तरह दिमाग घूम रहा होता है, आप नीचे जाते हो। मैंने जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ था उस दिन इंडिया का फ्लैग दोनों तरफ पकड़ लिया था, क्योंकि सूझ नहीं पड़ रही थी हरा कौन सा है ऑरेंज कौन सा है, वो तो ऐसे हिल रहा था बस। और जो 350 डाइव हुई थी वो इसलिए होती है कि सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ प्रॉपर हो। जैसे यहाँ ऑक्सीजन प्राण दायिनी है, पर 6 मीटर जो समुद्र में होता है उसके नीचे प्योर ऑक्सीजन प्राण घातनी होती है, जिसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। यदि प्योर ऑक्सीजन 6 मीटर के नीचे ब्रीथ कर लेंगे तो हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से मर जाएंगे। हम यदि मुंह में सांस भर के ऊपर आ जाएंगे तो हमारे लंग्स और एक्सपेंडेशन की वजह से फट जाएंगे। पानी समंदर में करंट होते, करंट मतलब बिजली वाला नहीं, पानी की लहर वाला करंट, मतलब तेज नीचे लहरें होती है जैसे ज्वार भाटा, जैसे चंद्रमा की निकलता जाता है पानी में करंट बढ़ता जाता है, जैसे काली रातें आती हैं वैसे कम होने लग जाता है, ये समझ सकते हो। हेवी करंट होते हैं हमें इस तरह से बताते हैं। पानी में स्कॉर्पियन फिश होती है, लॉयन फिश होती है, शार्क होती है, ग्रुपर होती है, ये साइन होते हैं। ओके का ये सिग्नल होता है, नोट ओके का ये होता है, डाउन का ये होता है, अप का ये होता है, असम का ये होता है। सो ये सिग्नल पर ही सारी बातें होती है, क्योंकि आवाज़ तो आ नहीं सकती, आप बोल नहीं सकते। नीचे जाने के बाद हमने अब ऑक्सीजन ब्रीथ कर ली, नाइट्रोजन कहाँ जाएगी? तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जैसे कोको कोला की बोतल में बबल्स होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में बबल्स फॉर्म में चली जाती है। तो यदि आप उन बबल्स के साथ जाएंगे तो आपका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, जिसे DCS कहते हैं। तो ये सब पढ़ना पड़ा था इस वजह से मैं इतना बता देती हूँ, इसी वजह से मेरे इंस्ट्रक्टर इतना चिल्लाते थे कि डाइविंग माउंटेनियरिंग से ज़्यादा टफ है, यहाँ आपको बहुत फोकस रहना पड़ता है, सेकंड में आप मर जाओगे। स्कॉर्पियन फिश जो सबसे मतलब पानी के भी हमारी जो हमारी डाइव साइड पे फिश थी, यदि आप उसके ऊपर हाथ रख दोगे उसके जहर से नहीं मरोगे आप, पर उसका जहर इतना दर्द देता है कि ऐसा लगेगा 100 हथौड़े कोई आपके हाथ पे मार रहा है, तो लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। आपको जब जेलीफिश, कई तरह की जेलीफिश होती है, जेलीफिश की स्टिंग जब लगती है ऐसा लगता है जल गया हो आपका शरीर, तो ये सब आपको फेस करना ही है, ये तो नॉर्मल है। मेरे पैर पे 14-14 किलो के सिलेंडर गिरे हैं, अंगूठे पक पक गए थे मेरे, कानों में इन्फेक्शन हो जाता था। अब आता है नाइट्रोजन्स के बबल्स, जो हम नाइट्रोजन्स हमारी बॉडी में बबल्स फॉर्म में हम ऊपर आ गए, अब उन्हें निकालना कैसे है? तो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, जब हम टेक्निकल डाइविंग करते हैं जाने में 10 मिनट लगते हैं, ऊपर आने में 4.5 घंटे लगते हैं। हम जैसे 45 मीटर गए, फिर 30 मीटर पे सेफ्टी स्टॉप लेंगे, फिर 25 पे लेंगे, फिर 16 पे लेंगे, फिर 9 पे लेंगे, फिर 6 पे लेंगे, अलग अलग। वहाँ बोयंसी कंट्रोल करते थे, स्पेस में कैसे बोयंसी कंट्रोल करनी होती है आपको, आपके हाथ ऊपर रहते हैं पैर पीछे रहते, बिकॉज रीढ़ गद्दी ऐसे धनुराशन की तरह रहती है, टैंक आपके टैंक पूरे लगे हुए हैं, और आपको 3 सेकंड में सांस लेना, 6 सेकंड में छोड़ना है, ये ब्रीदिंग पैटर्न है। क्योंकि आपकी जान मुझ पर डिपेंड है, मेरी जान आप पर डिपेंड है, हम दोनों सामने हैं, दोनों नार्क हो चुके हैं ऑलरेडी, हमारा शरीर घूमा हुआ है। अब हमें 6 मीटर सबसे टफ, जहाँ आप मर सकते हो सेकंड में, सो वहाँ आपको मेरे को सिग्नल देना है कि मैं गैस स्विच कर रही हूँ, मेरा डाइव कंप्यूटर चेंज कर रही हूँ, क्या मेरा सिलेंडर का नाम सही है। तो एक नोटॉक्स ड्रिल होती है, जो लोग बाद में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अवॉइड कर देते, इसलिए वो मर जाते हैं। तो भले ही आपको आता हो नोटॉक्स, मतलब नेम पहले चेक किया, ऑक्टो चेक किया, टाइम चेक किया, नोटॉक्स ड्रिल प्रॉपर करनी पड़ती है, तब हमने चेंज किया। मान लो आप गलती से गलत गैस स्विच करो तो मैं तुरंत आपको झटका मार के चेंज करूँगी, मेरा ऑक्टो दूंगी आपको, ताकि आप जिंदा बचो। यदि आपने 6 मीटर के पास प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ कर ली तो आप मर जाओगे, और यदि उससे ऊपर यदि आप उन बबल्स के साथ आ गए तो आप पैरालाइज की वजह से मर जाओगे। तो हम फिर ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं 6 मीटर पर, एग्जैक्ट 6 मीटर पर बोयंसी मेंटेन करने के लिए, बोयंसी मेंटेन करने के लिए 350 से ज़्यादा डाइव करते ताकि हम बोयंसी प्रॉपर मेंटेन करें, ताकि जो हम मेरे फिन हैं 2-2 किलो के जेट फिन्स थे मेरे, उनको ब्रीदिंग जब हम फिनिंग करें तो बिल्कुल प्रॉपर लेवल में मैनेज रहे, ना मैं ऊपर जाऊँ ना नीचे जाऊँ। प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करने के बाद हम लोग थोड़ा रुकते हैं, फिर नॉर्मल एयर ब्रीथ करते हैं, ऊपर आते हैं। अब हमारा डाइव कंप्लीट नहीं हुआ, पर ऊपर आने के बाद अब कंपलसरी रूल है कि आपको हैवी कुछ भी नहीं करना है जिससे आप एग्जॉस्ट हो, क्योंकि बॉडी में कोका कोला की बोतल को हमने ग्लास में डाला, बबल किनोर में कैसे दिखेंगे आपको, वैसे ही हमारी बॉडी में साइलेंट फॉर्म में बबल है। यदि आपने कुछ भी वर्कआउट किया तो ब्लड तुरंत वो बबल हार्ट तक पहुंचा देगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और आप मर जाओगे। तो 2 दिन बाद पता चलता है कि हाँ आपका डाइव कंप्लीट हुआ। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को डाइव करने से मना किया जाता है, डाइविंग के बाद आप फ्लाइट नहीं ले सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते, और जैसे मैं अभी भारी भरकम मोटी मोटी हो रखी हूँ,
तो उसका रीज़न ये होता है कि आपने 1.5 साल में क्या किया, यही तो किया आने के बाद आपको हैवी वर्कआउट एग्जॉस्ट मतलब कुछ करना ही नहीं है, वरना ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुँचा देगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। 2 दिन के बाद अब आपको वर्कआउट करना है, कहाँ से करेगा इंसान। 5 बजे आपका मतलब रिपोर्टिंग होती है दिन भर, 2 बजे तक वो नॉर्मल व्यक्ति को डाइव मास्टर की तरह डाइव कराता है, 2 बजे के बाद आपका हमारा टेक्निकल डाइविंग शुरू होता है, 2 बजे के बाद हम लोगों 6 बजे फिर हम हार्बर से आते हैं, सारे इक्विपमेंट साफ करते हैं, फिर 30 रुपये का डोसा खाती थी मैं, फिर खा के शाम को तो जहाँ लगता था कि बस डॉर्मेटरी में बिस्तर मिल गया, भम से सो गए। लड़कियों के लिए सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, नमक के पानी से चेहरा ख़राब होता गया, बाल पीले पड़ते गए, पर आज मुझे ये पता है कि जो मैंने देखा, मैंने महसूस किया, जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके लिए सेक्रीफाइस कोई मायने नहीं रखते। एक सवाल जो नहीं पूछना चाहिए, जब आप माउंटेन की एवरेस्ट की पीक पर थे तो आपकी एज क्या थी? तब मैं 24 की थी। 24 की थी, आज आप कितनी हैं? 27। और जो चेहरे की एजिंग है, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि आपको मैं बता दूँ कि एजिंग का डिफरेंस बहुत आ जाता है, अगर आप पहाड़ और समुद्र कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो ज़्यादा दिखने लगती है, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी लेयर्स कई आ जाती है, ज़्यादा अच्छे तरह से मेघा ही बता सकती है। हाँ, उसका रीज़न ये होता है कि जैसे आपको चोट लगती है तो कैसे ठिकर जम जाती है, वो चमड़ा का चमड़ा निकलता है, तो जब पहाड़ पर जाते हैं तो सनबर्न होता है, जैसे खून चपचपाता है आपके चेहरे पर, ऐसे पपड़ी निकलती, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 6 बार निकलती है, और आपका ऐसा चेहरा ऐसा गड्ढे गड्ढे ऐसे वैसा हो जाता है कि जिसको रिकवर होने में साल भर लगता है, और हर एक्सपेडिशन के बाद यही होता है। कई लोगों ने जो जो मेरे साथ अभी जुड़े होंगे तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बाद की मेरी फ़ोटो देखी होंगी, यहाँ से खून निकलता था, ऐसे रुमाल रखती थी पूरे टाइम में, बहुत फ़र्क पड़ जाता। अभी मेरी स्किन मेरी उम्र की लड़कियों से 6 साल बड़ी है, क्योंकि मुझे जल्दी झुर्रियाँ आएंगी, जल्दी चीज़ें होंगी। वही नमक का पानी, लोग तो टैन हो जाते हैं थोड़े से में, जब थोड़ा देर जाते हैं समुंदर किनारे जो लोग जाते होंगे तो, और मैंने 1.5 साल बिताया है, तो बाल स्किन ये सब तो फिर। तो कभी कभी ये नहीं लगता कि मतलब एक लड़की होने के लिए मुझे सुंदर दिखना है, मैं क्यों मतलब इन सब के साथ अपनी स्किन ख़राब कर रही हूँ, अपने आप को बूढ़ी दिखा रही हूँ, कभी लगा नहीं कि मतलब यार क्या होगा मेरा क्या होगा वैसे एक शादी तोड़ के बैठी हूँ शादी नहीं सगाई होती हूँ मैंने नहीं तोड़ी, मैं तो आज भी कहती हूँ अच्छे लोग थे हमारे यहाँ, तो बल्कि ऐसा रोल है कि छोरियों के मत पड़ाओ, कहीं हमारा छोरो झोला रखेगा, वो लोग भले मानस थे कि इसको इसको हिंदी में जरूर बोल दो ये जो डायलॉग बोला, छोरियों को मत पड़ाओ वो क्या झोला उठाएगा, मतलब जो 2 साल में इनकी सगाई हुई थी उसका मतलब ये है कि 12th पास करते ही लड़की की शादी कर दी जाती है उस लड़के से जिससे सगाई उनकी 2 साल की। हमारे यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ाते लड़कियों को, क्या एक कहावत हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है कि मत पढ़ाओ भैया छोरियन के, हमारे छोरियन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे पता नहीं, क्या कल से ज्यादा पढ़ लेगी तो क्या हमारा छोरा इनका झोला रखेंगे क्या, तो ऐसा वो लोग ऐसे सोच के भी नहीं थे, जो भी होंगे उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि इनको मत पढ़ने दो या वो मत करने दो। मैं आज भी कहूँगी वो लोग भले मानस होंगे, पर मेरा ये था कि मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जा रही थी और यहाँ शादी का प्रेशर आ रहा था, तो वो मेरे पापा नहीं झेल पाए, तो उनको लगा कि अभी इस बार हम शादी नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे के लिए कोई देख लो, तो ये वो रीज़न था। पर बड़े तमके होते हैं इन सब जंजालों में, तो कई बार तो लगता है जब खून चिपचिपाता है ना चेहरे पर, मैं हर जगह नहीं बोलती हूँ ऐसे, मैं बोलती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खूबसूरती जिसमें मैं नहीं रूह में बसती है, ये बात भी सच है, चेहरे पे ग्लो दिखता है खान पान का, पर जब खून चपचपाता है रुमाल से आप ऐसे पोछते हो और आपको देखते हो फेनस क्रीम वाली लड़कियों के चेहरे जिनमें पानी की बूंद डालोगे और ऐसा टपक जाएगी और आपको लगेगा इन गड्ढों में उलझ उलझ के जाएगी तब आपको लगता है क्या, फिर मुझे लगता है कि नहीं उनने वो अचीव नहीं किया जो मैंने किया, तो मेरा लेवल अलग है उनका लेवल अलग है, वो मुझसे कॉम्पीट नहीं कर सकती, मैं उनसे जरूर कर सकती। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, आसमान भी हो है, आप पहाड़ छू लिया, नीचे समुद्र कितना और बचता है फिर उसके बाद, मैं तो समुद्र की गहराई भी नहीं नापी आज तक वो तो डीप होता जाता है समुद्र की गहराई, तो क्या कहते हैं कोई नहीं नाप सकता। लेकिन एक अलग इकोलॉजिकली जो चीज़ें हैं वो नई चीज़ें देख के आए, अब अगला टास्क क्या है? भी है, धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी तो कोच के रूप में देश भर में से 12 स्टूडेंट रेडी हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए। एक यूपी की बच्ची है जो अभी 15 साल की बच्ची जो कोर्स करके आई है, 2 अभी रतलाम की क्लाइमर है जो किलीमंजारो क्लाइम करके आए, किट्टू है जो एवरेस्ट की तैयारी कर रही है, और कुछ बच्चे हैं जो अभी पैराग्लाइडिंग के लिए गए हैं। ये वो चीज़ें जो मेरे बाद लाइनें खड़ी कर रही हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, गाँव में लाइब्रेरी बनाई है, तालाब बनवा रही हूँ, रोड बनवा रही हूँ, ये चीज़ें अलग हो जाती है जो मेरा मन करता है। और इसके साथ जो मेरे सपने हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, वो मेरी एडवेंचर बुक है। लाइफ में यदि एडवेंचर नहीं रहा तो जीने का क्या उद्देश्य है, बस स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है,
कभी कभी लगता है जब मैं थोड़ा ठहर के बैठती हूँ कि लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं और मैं अभी भी स्ट्रगल में लगी हुई हूँ। बट यदि जीवन में एडवेंचर चाहिए, नए अचीवमेंट चाहिए, नए अनुभव चाहिए और दूसरों से अलग चाहिए तो करना तो पड़ेगा। तो अभी आसमान में उड़ना है, उसके लिए धीरे धीरे तैयारी कर रही हूँ। मैं एक आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ। ये आखिरी सवाल ये कि अब 24 साल के पहले जब आप घर के भीतर बैठे थे, या वो दिन जिस दिन घर वालों ने सिर्फ इस बात के लिए पीटा कि आप एक वाटर पार्क गए, आज आप जब खड़े हो तो क्या घर वालों का क्या मतलब, किस तरह से वो देख रहे हैं? वो एडमायर कर रहे हैं अपनी लड़की की ग्रोथ को, या अब और डर रहे हैं कि अब ये 28 साल की 27 साल की हो रही है, इसकी शादी अभी भी नहीं करने को तैयार है, इसकी एडवेंचर लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, अब हम क्या करें? तो किस तरह का उनका एक नया एजिटेशन है? मैं छेड़ती हूँ कैसे, कभी मम्मी पापा को छोरो ढूंढ के तो लाता हूँ तो ये सब तो चीजें अलग है, बट इस शादी कोई जीवन का अंतिम उद्देश्य तो नहीं है। पर खुश भी होते हैं, वैसे बाउंडेशन नहीं है कि भी कहाँ जा रही, पर मैं हमेशा लोकेशन अपने पेरेंट्स को भेजती हूँ। एज ए वूमन मुझे मेरी सेफ्टी का खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, साथ ही मुझे भी अवेयर रहना है कि कैसे मैं सेफ रह सकूँ। तो मैं बताती हूँ कई बार कि हाँ, मैं अपने पैर में जब बड़े लंबे सफ़र में जाती हूँ, मेरे पैर में चाकू बंधा हुआ होता है, मेरे हाथ में भी बंधा होता है, और वो चाकू मुझे पता था कि मैं कब यदि कोई मुझको परेशान करेगा तो मैं निकालूंगी। गन इसलिए नहीं रख सकते कि वही गलती से चल गई तो सब फंस जाएंगे, पर चाकू का ये पता है कि एज ए वूमन मेरी सेफ्टी है। मैं हमेशा जो काली मिर्च वाले स्प्रे होते हैं वो रखती हूँ खुद की सेफ्टी के लिए, पर मम्मी पापा बेफिक्र है कि हाँ हमारी छोरी जहाँ भी जाएगी सर्वाइव कर लेगी, कोई टेंशन नहीं है। वो वाला टेंशन तो बिल्कुल नहीं है जो दूसरा उनको होता है, पर वो ये ज़रूर बोलते कि हमें ऐसी नहीं सिंपल लड़की चाहिए थी जिसको हम जिसको हम समझ सकते थे, अभी हमारी पल्ले ही नहीं पड़े कि हमारी छोरी करे गई हैं आगे कहीं करना चाहे हैं। वो कभी कभी ये पूछते, बेटा अपन ऐसा घर में कि अपन ने तो सपना में भी नहीं देखा कि कहाँ कहाँ आसपास ऐसा दिखे, टीवी में भी इतनी चीज़ नहीं दिखाए, थारे ये आ कहाँ से जाए, थारे ये जुनून कहाँ से चढ़ जाए। पर पेरेंट एज ए पेरेंट्स उनके ये उनकी इच्छा है कि मैं एक बहुत अच्छी खुशहाल संतुष्ट और सुरक्षित ज़िंदगी जीऊँ, जिसके लिए वो बेफिक्र होते हैं। और वो दूसरी बच्चियों मेरे पेरेंट्स सब मिलते हैं, मेरे हर बच्ची को मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने इसलिए परमिशन दी कि हमारी छोरी की कि उन्हें भरोसा नहीं तोड़ो। यदि सबका पेरेंट्स चाहे कि वो आगे बढ़े, आप लोग भी पेरेंट्स का ट्रस्ट मत तोड़ो, हर पेरेंट्स आपको आगे बढ़ाएगा, फिर वो गाँव का ही क्यों ना हो। बहुत बड़ी बात, मतलब मैं जो क्लोजिंग लाइन जो मैं कहता हूँ ना, किसी भी इंटरव्यू की क्लोजिंग लाइन होती है, वो क्लोजिंग लाइन खुद मेघा ने दी है कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़, खुद के ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी भरोसा रखो जो आप पर भरोसा रख रहे हैं, और ना आप अपना भरोसा तोड़ें और ना उनका टूटने दें जो आप पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। अगर ये आप दो चीज़ें लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो ये तय मान करके चलिए ईश्वर आपके साथ है, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। और दूसरा एक चीज़ और है कि जब मेघा को देखो तो इस मिसाल के तौर पर देखो कि परेशानियाँ कभी भी आपके रास्ते नहीं रोक सकती हैं। परेशानियाँ आना एक हिस्सा है, जैसे अभी भी उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, वो कह रही कि कभी कभी लगता है, और वो खुद इस बात को स्वीकार रही है। तो ये चीज़ हम आप सबके लिए लागू होती है कि परेशानियां हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन वो हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती हैं, हमारे पैशन को, हमारे जुनून को और हमारे सपने को कहीं भी अधूरा होने से, हमारा पूरा होने से नहीं रोक सकती हैं। तो आप अपने पैशन और अपने सफ़र पर आगे बढ़ते रहिए उस भरोसे के साथ जो आपने अपने साथ कमिटेड किया है, अपने को खुद पर भरोसा जताया है, और उन लोगों के भरोसे को पूरा करिए जो आप पर भरोसा कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मेघा जी, जो आप हमारे साथ जुड़ी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच पत्रिका ग्रुप, थैंक यू सो मच साइलेंस सर, आपके जरिए कई हजारों लोगों तक आप ये सब बातें पहुंचाएंगे, पता नहीं किसके जीवन में कहां से चिंगारी पहुंच जाए। धन्यवाद।